तेलंगाना में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के लिए तेलंगाना कांग्रेस की सरकार ने 3 करोड़ रुपए उनको देने का आश्वासन दिया और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, जियो भी निकल चुका है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम को सफल करने के लिए तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पैसा देगी। तो मैं आज के जो मुख्यमंत्री है हमारे तेलंगाना राज्य के रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहता हूं कि किस बेस पे आप तबलीगी जमात को उनके कार्यक्रम को सफल करने के लिए पैसा दे रहे हो? क्या तबलीगी जमात के इतिहास के बारे में क्या आपको पता नहीं है? पिछले बार भी तबलीगी जमात का जो कार्यक्रम तेलंगाना में हुआ था उस कार्यक्रम के बाद में भैंसा में हिंसा हुई थी, कई घर जले थे, कुछ इंजर्ड हुए थे, आपको यह पता नहीं? रेवंत रेड्डी जी, अगर आपको पता नहीं है तबलीगी जमात के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो तबलीगी जमात है नुपुंज शर्मा के सपोर्ट में एक व्यक्ति ने, जो कि महाराष्ट्र में रहता था, उमेश नाम का व्यक्ति ने सिर्फ व्हाट्सएप में सपोर्ट करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ गोधरा कांड में जो 59 जो हमारे हिंदुओं को जला दिया गया था उस कांड में भी तबलीगी जमात का ही नाम आया था। गंधार कांड में तबलीगी जमात का नाम आया था। प्लेन हाईजैक में तबलीगी जमात का नाम आया था। यहां तक कि सऊदी अरब ने यह कहा था कि ये वो तबलीगी जमात है आतंकवादियों के घर में जाने के लिए एक गेट का काम करती है। तो ऐसे आतंकवादी सोच रखने वाली जमात के कार्यक्रम को आप 3 करोड़ रुपए कैसा दे सकते हैं, मैं आज पूछना चाहता हूं। तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि आज जो कांग्रेस का जो असली जो चेहरा है वो सामने आ गया है। अगर भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, अगर ये कांग्रेस आ जाती है तो सोचिए हर जिले में ये कांग्रेसी वाले तबलीगी जमात को हर जिला उनके हाथ में दे देंगे। पूरे भारत में आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जाएगी, उनकी सेना का निर्माण होगा। तो मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि जो आपने जो फैसला लिया है उस फैसले पर आप तुरंत विचार करें। और भारत की जनता एवं तेलंगाना राज्य की जनता को कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेसी का सपोर्ट करेगा तो ये समझ जाओ।